रतलाम में अज्ञात बदमाशों ने बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर हमला कर दिया, जहां हमले में घायल कर्मचारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार शेल्डन एंथोनी शुक्रवार रात बदनावर की तरफ से रतलाम आ रहे थे, तभी टोल नाके के आगे उसे किसी ने गोली मार दी है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना बिलपाक को हॉस्पिटल से खबर लगी, एक व्यक्ति जो इंजर्ड होकर यहाँ पहुँचा हुआ है, जो खुद को बता रहा है कि किसी ने गोली मारा है। उसमें चूंकि उसकी हालत उस वक्त क्रिटिकल थी, उसको तत्काल इंदौर रेफर कर दिया गया है। रतलाम पुलिस की टीम इंदौर पहुँच गई है सुबह। उसमें धारा 307 के अंतर्गत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया पूछताछ में इनका कहना है कि हम ये रतलाम से बदनावर साइड कहीं जा रहे थे, टोल नाके से लगभग 5 किलोमीटर आगे कोई पीछे से बाइक वाले आए और उनको लेफ्ट साइड में पेट पे गोली मारी है। इससे अभी तो उनकी स्थिति स्टेबल है, इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं कौन लोग थे, किन कारणों से हुआ है, क्योंकि इनके साथ कोई लूटपाट आदि घटनाएं भी नहीं हुई हैं। पुलिस इसमें जानकारी निकाल रही है। अभी तो अज्ञात मामला कायम किया हम लोगों ने, लेकिन इसमें साइबर आदि की मदद ली जा रही है और जल्दी हम लोग इसमें खुलासा करेंगे।